नमस्ते, आज हम फोटोग्राफी की क्लास में बेसिक फोटोग्राफी लाइटिंग और टाइप्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। फोटोग्राफी अर्थात प्रकाश के द्वारा बनाई गई कलाकृति है। और फोटोग्राफी के लिए प्रकाश हमको दो तरीके से मिलता है, आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट या कृत्रिम प्रकाश मानव द्वारा बनाया गया प्रकाश है, जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट इत्यादि। और प्राकृतिक प्रकाश जो स्वाभाविक रूप से चमकता है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे। तीन पॉइंट लाइटिंग अर्थात यह एक प्रकाश व्यवस्था की स्टैंडर्ड टेक्निक है, जो दर्शनीय जैसे वीडियो, फिल्म और फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में तीन लाइट्स का उपयोग किया जाता है, की लाइट, फिल लाइट, बैक लाइट। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये की लाइट है यानी कि मुख्य प्रकाश शो, ये फिल लाइट जो इसको सपोर्ट करता है, और ये बैक लाइट जो कि पीछे से दिया जाता है। की लाइट या मुख्य प्रकाश, जैसा कि नाम से पता चलता है, सीधे विषय पर चमकता है और प्रमुख प्रकाशक के रूप में कार्य करता है। की लाइट के आधार पर ही वस्तु या दृश्य के संपूर्ण प्रकाश की व्यवस्था निर्धारित करता है। इंडोर शॉट्स या फोटोग्राफी में की लाइट फ्लैश लाइट होती है, जबकि आउटडोर में अक्सर सूर्य ही की लाइट का काम करता है। फिल लाइट का मुख्य कार्य की लाइट द्वारा बनी छाया को कम करना। फिल लाइट भी विषय पर प्रकाश डालता है, लेकिन की लाइट के साइड कोण से। फिल लाइट की प्रकाश की तीव्रता की लाइट के प्रकाश की तीव्रता से कम होती है। फिल लाइट प्रयोग नहीं करने पर वस्तु की सतह पर गहरी छाया का प्रभाव पड़ता है। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये फिल लाइट के साथ लिया गया चित्र है, और ये जिसमें कि फिल लाइट नहीं लगाई गई है। बैकलाइट ये सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग करता है और हाइलाइट्स को कंट्रोल करता है। ये विषय के पीछे से डाली जाती है। जैसे आप इन चित्रों पे देख रहे हो कि ये जो पीछे बैकलाइट के कारण ये आपको एक लाइट मिल रही है और बैकग्राउंड से आपको ऑब्जेक्ट को अलग करती है। ये चित्र भी देखिए, इसमें केवल की लाइट यूज़ किया हुआ है एक साइड से, ये बैक लाइट इसमें से पीछे से आ रही है, आगे बिल्कुल शेडो है। यहाँ पे की प्लस बैक लाइट दो लाइटें यूज़ की गई है, की लाइट ये वाली है और बैक लाइट पीछे वाली है। कभी कभी जो है चौथी लाइट का भी काम में लेते हैं, जिसे हम बैकग्राउंड लाइट कहते हैं। इस लाइट से बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला जाता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे की लाइट से दिए, ये फिल लाइट, ये बैक लाइट, और पीछे जो है बैकग्राउंड पे लाइट दी गई है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड भी लाइट दिखा रहा है और यहाँ का बैकग्राउंड डार्क है। और इस तरीके से आप स्टूडियो पे लाइट अरेंज करते हैं, या ये जो लाइट दिख रही है ये आपकी बैकग्राउंड लाइट कहलाती है। सूर्य के प्रकाश में फोटोग्राफी करते समय सबसे महत्वपूर्ण है कि विषय पर प्रकाश किस दिशा से गिर रहा है और छाया कैसे बनती है। सूर्य के प्रकाश में फोटोग्राफी सुबह या शाम की रोशनी में करनी चाहिए। दोपहर अर्थात सूर्य बिल्कुल ऊपर आने पर फोटोग्राफी में आंख के नीचे काली छाया दिखती है, क्योंकि सूर्य ऊपर होने से विषय के नीचे छाया बनती है। टाइप्स ऑफ लाइट, हम कितनी तरह की लाइट यूज़ कर सकते हैं, ये अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रोब्स, पहला है स्ट्रोब्स। ये बहुत फ्लैश यूनिट होती है, बहुत शक्तिशाली होती है, जो स्टूडियो में सबसे ज़्यादा काम में आती है। स्ट्रोब्स अधिकतर ऑफ कैमरा फ्लैश होते हैं, ये शीघ्र ही रिचार्ज हो जाते हैं, इनकी लाइट इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लैश कर ये कैमरे के ऊपर हॉट शू पर लगाया जाता है, इनकी पावर स्ट्रोक्स फ्लैश यूनिट से कम होती है। पास के ऑब्जेक्ट को
इनके द्वारा हम क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यूस लाइट या हॉट लाइट, इससे लगातार रोशनी मिलती है, अर्थात इस प्रकार की लाइट से फ्लैश नहीं होती। इस प्रकार की लाइट वीडियोग्राफी में अधिक काम में आती है। वीडियोग्राफी करते वक्त आपको लगातार लाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम ये इस तरह की जो लाइट्स होती हैं वो हम वीडियोग्राफी के लिए काम में लेते हैं। ये कुछ मॉडिफायर्स हैं जो लाइट के आगे लगाकर हम काम में लेते हैं, और इन मॉडिफायर्स के नाम से ही लाइट के नाम पड़ जाते हैं या उनके नाम से ही हम इनको पहचानते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला। आमतौर पर सिल्वर या वाइट कलर के होते हैं जो स्ट्रोब से जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रोब की फ्लैश अम्ब्रेला से टकराकर विषय तक आती है, इस कारण लाइट सोर्स का एरिया बड़ा हो जाता है और लाइट भी सॉफ्ट हो जाती है। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्ट्रोब है, ये अम्ब्रेला है, इससे लाइट टकराकर आपके जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उस पर गिरती है। जिस देखिए, अब इसके लाइट सोर्स जो है वो यहाँ से लेके इतना बड़ा हो गया और टकराने के कारण रिफ्लेक्ट हुआ, जिससे कि वो सॉफ्ट भी हो गया। ट्रांसलेंट अम्ब्रेला यानी हल्का पारदर्शी जो एक छाता होता है उसको हम स्ट्रोब्स पे लगाते हैं। स्ट्रोब की लाइट इससे छन कर विषय पे गिरती है। जो ट्रांसलेंट अम्ब्रेलाज होते हैं उनको सब्जेक्ट की तरफ डायरेक्शन करके ही लगाते हैं। जो सिल्वर और वाइट के होते हैं उनको आप उल्टा लगाते हैं, और ये इस तरीके से लगाया जाता है। सॉफ्ट बॉक्सेस फोटोग्राफी स्टूडियो में वर्क हॉर्स होते हैं, अर्थात ये सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। ये विभिन्न नाप के कई आकारों में आते हैं। सॉफ्ट बॉक्स लाइट को सॉफ्ट बनाते हैं और इसके द्वारा दिशा को भी नियंत्रित किया जाता है। और ये जो है कई आकारों के होते हैं, जैसे ऑक्टाबॉक्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, लंबा और स्ट्रिप, ये कई तरह के शेप के होते हैं। स्नूट एक ऐसा मॉडिफायर है जो प्रकाश को संकीर्ण प्रकाश पुंज को केंद्रित करता है, यानी कि प्रकाश की जो सोर्स है उसको थोड़ा सा छोटा करके सीधा ऑब्जेक्ट पे डालता है, या इसको बैकग्राउंड को हम जब कभी रोशनी देनी है उसके लिए भी हम काम में लेते हैं। ब्यूटी डिश, ये सौंदर्य फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के काम आता है। ये ब्यूटी डिश है जो कि आपके फैशन फोटोग्राफी के हम काम में लेते हैं। ये स्नूट है, ये सॉफ्ट बॉक्स है। ग्रिड हनी कॉम बॉक्स जो लाइट होती है, ये प्रकाश को व्यापार अर्थात अधिक फैलने से रोकता है। इसी तरीके से कई और लाइट्स होती हैं, जैसे बांडो लाइट्स हैं, ये आपकी जो लाइट है उनको आपको कितनी मात्रा में देनी है। दरवाज़ा हम थोड़ा सा इसको बंद करते हैं तो ये उसी क्वांटिटी में आपको लाइट देता है, जैसे कि आपका ये इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि ये बांडो लाइट लगी हुई है। आपको जितने एरिया में ऑब्जेक्ट को चाहिए उस तरीके से हम इसमें लाइट दे सकते हैं। कुछ डिफ्यूज़र्स भी होते हैं, जैसे आप इन चित्रों में देख रहे हैं, जिनको हम लाइट के आगे लगाने पर लाइट को हम डिफ्यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो तेज प्रकाश है उसका चमक जो है और उसके कारण जो शैडो हार्ड हो रही है वो कम हो जाए। ये रिफ्लेक्टर से कहीं आपकी ऐसी कंडीशन है कि लाइट आपको सोर्स कम मिल रही है, ये डायरेक्शन ऐसा है, तो इन रिफ्लेक्टर्स को जो लाइट सोर्स है उस पे रखते हैं और ऑब्जेक्ट पे हम डालते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट पे पूरी लाइट मिल जाती है, जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये सिल्वर है, ये कई तरह के होते हैं, गोल्डन होता है, सिल्वर होता है, ब्लैक होता है, वाइट ट्रांसपेरेंट होता है, जो ये डिफ्यूज़र भी का काम भी करते हैं और आपके रिफ्लेक्टर के लिए भी काम कर सकते हैं। कई बार रिफ्लेक्टर जो है वॉल मिरर भी हो सकता है, किचन का जो फॉइल होता है जिसमें आप पेपर कोई चीज़ रैप करते हैं वो सिल्वर फॉइल भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार अगर आपको बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं मिली, तो आपने कोई वाइट शर्ट पहन रखा है या वाइट शर्ट आपके पास है, वाइट शीट है, तो वो भी आपका रिफ्लेक्टर की तरह काम कर सकते हैं। थैंक यू।